بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. HM3D की तरफ से तमाम नाज़रीन को वेलकम. जी आज ऑटोकैड में हम रोड बनाना सीखते हैं कि हम एक छोटा सा रोड या गली या हम इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं या कैसे डिज़ाइन तो नहीं कैसे इसकी शक्ल दे सकते हैं ड्राइंग में शो करने के लिए. जी देखते हैं कैसे बनता है ये. ऐसा ही हम इंशाल्लाह बनाने की कोशिश करेंगे. लेट्स गो स्टार्ट. एक नया पेज खोल लेते हैं जी न्यू ड्राइंग के हिसाब से. तो ये एक नया पेज खोल गया. तो इसमें पेज सेटअप इतनी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो टीचिंग है. जब आप अपना करें तो फिर पेज सेटअप करके उसका यूनिट और ये वो सब सेट कर लें. तो मैं ऐसे ही जल्दी में फिर वो लेक्चर लंबा हो जाता है. तो जी ये PL मैंने ले ली है जी लाइन बस ऐसे एक फर्जी से F8 प्रेस करके ताकि सीधी हो. ये देखें जी यहाँ से तो यहाँ से हम थोड़ा सा एक आर्क बना लेंगे ARC तो ताकि थोड़ा सा ये देख लेंगे. और इसको आर्क को देखें आर्क और ये लाइन सेपरेट है तो इसको हम J प्रेस करके इसको जॉइन कर लेंगे. तो हैं जी फिर ऑफसेट कर लेते हैं इसको बरदूरा दे देते हैं पहले साइड पे. सेंटर से शुरू करते हैं इसको यानी सेंटर से आधा रोड नहीं इसको भी थोड़ा सर्कल राउंड दे देते हैं इसको. F प्रेस करें. F के बाद R प्रेस करें. R प्रेस हो गया तो इसको आप डाया दे दें जितना मर्जी है इसको राउंड दे दें इसको रेडियस दे दें कितना है जी. मैं इसको दे दें आप यहाँ से गैस कर लें क्योंकि हमारी ड्राइंग जो है ना इसमें यूनिट्स में नहीं है. यहाँ तक वहाँ पहले जी इस जहाँ से सिलेक्ट कर लें इस कॉर्नर से उसके बाद जितना एक आम सेंस की यूज़ करते हुए इसको और इसको मिला दें. ये आपका फिर सेलेक्ट करें इसको और इसको मिला दें. ये आपका एक सर्कल हो गया. देखें जी ये पूरा अब ये एक ML हो गई एक पॉलीलाइन हो गई है. इसको ऑफसेट कर दें 4 मीटर उस तरफ कर दें 4.5 कर दें 9 मीटर का रोड बना लेते हैं 4.5 उस साइड पे 4.5 इस साइड पे ओके जी. और उसके बाद इसको फिर रेडियस दे देते हैं FR इतना इसको फिर दे देते हैं और उसके बाद फिर ऑफसेट 0.20 ये 0 पॉइंट फिर ऑफसेट 1.5 फिर ऑफसेट इतना ही इसको यहाँ से कॉपी कर ले करके इतना ही इसको दे दें. अब इसी हिसाब से उस तरफ रोड की उस तरफ ये कॉपी कर लें ये उस तरफ हो गया. फिर प्रेस बैक स्पेस प्रेस करें फिर यहाँ से यहाँ तक कॉपी कर लें इसको यहाँ पे कॉपी कर लें फिर बैक स्पेस फिर इसको यहाँ से यहाँ तक और इसको यहाँ से यहाँ तक. ये हमारा वॉकवे भी बन गया. तो वॉकवे को हम बरदूरा को इधर से हम क्लोज कर देते हैं यहाँ से भी क्लोज यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं इसको भी क्लोज कर देते हैं ताकि हमें ये हैच करने में ये तंग ना करे परेशान ना करे. नहीं तो खुला होगा तो ये हैच नहीं होगा. तो ऐसा ही इस तरफ और इस तरफ रोड को हम पूरा तो नहीं कर रहे रोड को हम हैच भी नहीं करेंगे. ओके जी तो सबसे पहले हम रोड मार्किंग कर लेते हैं सेंटर वाले को. इसको हम देखें यहाँ पे सीधे लाइन पे आ जाएं बाई लेयर अदर आप यहाँ पे देखें कोई लाइन सब कंटिन्यू है कोई लाइन डैश में नहीं है. डैश के लिए आपको लोड करनी पड़ेगी. लोड करने के लिए आप कौन सी लोड कर लें ये लॉन्ग डैश कर लें या स्पेस डैश कर लें. ओके इसको स्पेस 1 साइज जो है ना फैक्टर कितना है 100 इसको चेक कर लेते हैं जी. ओके इसको सेलेक्ट करें बाई लेयर पर आ जाएँ वो हमारी यहाँ पर आई हुई है. ये स्पेस बहुत ज़्यादा हो गया जी तो आप इसको दोबारा यही है ना
तो आप इसको क्या करें, इसको 0.5 कर दें, दोनों को 0.5 कर दें, एंड ऐसे प्रेस 0.5, ओके। अब भी बढ़िया है, तो इसको आप 0.1 कर दें, 0.1 कर दें, ओके। ये जो हो गए, इसको थोड़ा बड़ा शो करने के लिए आप बाई लेयर में आए, ये लाइन साइज आप इसको बड़ा कर लें, ये लाइन शो नहीं हो रही, तो यहाँ से नीचे से ये लाइन शो करके आप इसको बड़ा कर लें। बाकी जी इस तरफ बच गया जी, जी अब इस तरफ आते हैं कि हम इसको अभी इसके वॉकवे के ऊपर हम ये ट्रीज वगैरह और ये फ्लावर किस तरह लगा सकते हैं, तो उसके लिए भी बहुत इजी है, शॉर्ट वे है। ये देखें, ये दो रेक्टेंगल, एक ये मैंने ये बनाया हुआ रेक्टेंगल बनाया हुआ है ताकि इसके अंदर हम अपना ट्री वगैरह लगा सकें, और ये ट्री है, ओके जी, फ्लावर फ्लावर समझ लें। तो इसका ब्लॉक बना देते हैं जी, बी प्रेस करें, बी के बाद जनाब आर ई सी कर लें, उसके बाद पिक पॉइंट, पिक पॉइंट ये इसका सेंटर, सेंटर के बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, और ओके, और ओके। एक आपका ये हो गया ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक फ्लावर बना लेते हैं, फिर आप बी प्रेस करें, बी के बाद एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, पिक पॉइंट, ये पिक पॉइंट हो गया, उसके बाद सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया, बैक स्पेस, एंड ओके। अब हमारे पास दो ब्लॉक बन गए जी, तो सबसे पहले हम क्या ये रेक्टेंगल लगा लेते हैं, पहले इसको हम एक ऑफ साइड लाइन ले लेते हैं, यहाँ से इसके सेंटर में, इसको वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ बजाय उसके पुट करने के। तो इसको ये कमांड है जी एम ई, मेजर कमांड, एम ई में सेलेक्ट, देखें नीचे सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद ये कहता है जी ब्लॉक, हमने कहा जी जिसे ब्लॉक के पर सेलेक्ट करें या बी आप इंटर कर दें, हो गया। तो अब क्या आता है, नेम क्या है ब्लॉक का, आर ई सी, पहले हम ये रेक्टेंगल लगाएंगे उसके अंदर, आर ई सी, आर स्पेस नहीं मारना, इसको एंटर करना है, एंटर अब वही करना है, यस करना है, यानी ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट यस। कितने साइज़ में हमें 5 मीटर में चाहिए जी, ये 5 मीटर में आप सिर्फ आपने एंटर करना है, एंटर करें तो उसने देखा ये 5 मीटर के अंदर ये पूरे ब्लॉक उसने लगा दिए हैं। ऐसा ही इस पे भी ब्लॉक लगा देते हैं, इस पे भी एम ई, एम ई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, बी, बी के बाद इंटर नेम करें ये ब्लॉक का नेम, आर ई सी, आर ई सी के बाद एंटर करें, यस करें, यस सेगमेंट यहाँ भी आप 5 दे दें, 6-5 मीटर, इसको 5 मीटर ही दे दें ताकि दोनों तरफ से, देखें जी इस तरफ भी उसने ये आपका दरख्त लगाने के लिए उसने ये एक रेक्टेंगल से क्रिएट कर दिए हैं जी। अब इसके अंदर पहले इसको हैच कर लें, इसको डिलीट कर लें सेंटर वाली लाइन को, इसको भी डिलीट कर लें, हैच कर लें पहले इसको, एच प्रेस करें, एच के बाद सॉलिड नहीं करें, यहाँ से ये पैनल खोलें, ये लगा लें, और इसको साइज दे दें 3 का दे दें, 3 का, ओके, एंटर, ये हो गया, और ऐसा ही इस तरफ कर दें, ये आपकी टाइल लग गई ग्रेनरी पे। अब फिर आप इसको क्या करना है, ऑफसेट देना है, ऑफसेट हमारे पास पहले सेव है 0.75 का, ओके, ये हो गया, और इसको भी कर देना, हो गया। और उसके बाद जना फिर एम ई, एम ई ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करें, उसके बाद ब्लॉक देना है आपने, यस ब्लॉक देना है हमने, इनसाइड ब्लॉक नेम करें एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, एफ एल ओ डब्ल्यू ई आर, फ्लावर के नाम से हमने एक ब्लॉक, एंटर, बैक स्पेस नहीं, एंटर, एंटर, स्पेस कितने देनी है ये 5 मीटर के अंदर देने हमने, जस्ट एंटर। अब देखें जी उसने हर ब्लॉक के अंदर उसने फ्लावर आपका लगा दिया है जी, ये आखिर तक ये लग गया है। उसके बाद फिर आप इसी कमांड को दोबारा रिपीट करें आप, एस ई, सॉरी एम मेजरमेंट, एम ई मेजर कमांड, एम ई सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ओके,
ब्लॉक यस बी इंसर्ट नेम एफ एल डब्ल्यू ई आर फ्लावर एंटर अलाइन ब्लॉक विद ऑब्जेक्ट यस 5 मीटर देखें जी ये 5 मीटर के अंदर उसने इस तरफ भी आपको ब्लॉक क्रिएट करके दे दिए हैं। अब इसके अंदर आपने गाड़ी लगानी है जो भी लगाना है तो आप इसके अंदर लगा सकते हैं। ये आपका एक छोटा सा रोड तैयार हो गया है।